हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरसी इन्फो वर्ल्ड। मैं हूं राधिका। वेडिंग सीजन चल रहा है, सर्दियां भी चल रही है एंड इन सर्दियों की वजह से काफ़ी सारे लोगों को ड्राई स्किन, पैची स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। प्लस इन सर्दियों के वजह से उनका जो भी मेकअप एप्लीकेशन है वो प्रॉपर हो नहीं रहा है। अगर होता भी है तो वो एक कुछ समय के बाद वापस उनको एक कैकी एंड पैची एंड एक ड्राई सा फीलिंग देता है, जो कि उनका एक ओवरऑल लुक खराब कर देता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही बेस मेकअप टिप शेयर करने वाली हूँ, जिसको यूज करते ही आपका जो भी एक प्रॉब्लम है कि मेरा एक कुछ समय के बाद जो मेरा एक स्किन है वापस ड्राई हो जाता है या इची होता है और मेरा जो लुक है वो निखर के नहीं आता है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉर्मली हम मॉइस्चराइजर, प्राइमर, फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट, ये स्टेप्स फॉलो करते हैं एक बेस मेकअप क्रिएट करने के लिए और यही सही तरीका है। बट जैसे ही सर्दियां अप एंड डाउन हो रही है, जैसे ही सर्दियां बढ़ रही है, अगर उनको हम कंसिडर करें तो उनका हार्श इफेक्ट हमारे स्किन के ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। और ये बेस मेकअप क्रिएट करने के लिए जो हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं वो एक लेवल के बाद हमारे स्किन के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके ऊपर हम लोगों ने जो भी मेकअप एप्लीकेशन किया है वो एक लेवल के बाद थोड़ा इची सा, इरिटेशन सा फीलिंग देने लगता है और वो हमारा कभी कभी क्रैकी या पैची इफेक्ट भी देता है। तो आज हम जो भी मेकअप एप्लीकेशन करेंगे, जो भी फाउंडेशन है, जो हमारा मेन बेस एप्लीकेशन है फाउंडेशन, उसके अंदर हम वन ड्रॉप ऑफ एलमंड ऑयल मिक्स करेंगे। यस, एलमंड ऑयल। बट ये जो एलमंड ऑयल है, दो द इट इज अ ऑयल, वो हमें एक ऑयली इफेक्ट नहीं देता है फेस के ऊपर और पूरी तरह से एक नेचुरल लुक देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया है एक्सेप्ट लिपस्टिक एंड आईब्रो फिल किए हैं मैंने। और बेस मेकअप क्रिएट करने के लिए मैं मॉइस्चराइजर यूज करने वाली हूँ और मेरा जो मॉइस्चराइजर है वो है ज्यूसो। और ये मेरा मॉइस्चराइजर लग के मेरा फेस तैयार हो गया है। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर में यूज कर रही हूँ कैल्का और ये अभी मेरा प्राइमर लग के मेरा फेस रेडी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम फाउंडेशन लेंगे और फाउंडेशन के अंदर वन ड्रॉप ऑफ एलमंड ऑयल मिक्स करेंगे। और फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन और मेरा शेड है 235 प्योर बीच। फाउंडेशन मैंने कुछ ज्यादा नहीं लिया है, बस इतना सा ही लिया है। और एलमंड ऑयल के लिए मैं यूज कर रही हूँ हमदर्द का रोगन बादाम ऑयल। ये बहुत ही अच्छा है। एज आई सेड, दो दैट इज अ ऑयल को हमारे स्किन के अंदर एक मॉइस्चराइजर की तरह एक एब्जॉर्ब हो जाता है विदाउट गिविंग एनी ऑयली इफेक्ट। इसलिए जिनकी भी स्किन काफी ड्राई है या जिनकी स्किन को काफी क्रैकी फीलिंग होती है या क्रैकी हो जाती है, उनके लिए काफी अच्छा है। यहाँ पे हमें सिर्फ वन ड्रॉप यूज करना है, बस ये वन ड्रॉप आ गया। इसके अंदर हम लोगों ने अच्छे से मिला लिया और ऐसे डॉट मोशन में हम लोग फुल स्किन पे अप्लाई कर लेंगे इसको। और अब मैं अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मेरा जो भी फाउंडेशन है वो पूरी तरह से सब जगह पे इवनली स्प्रेड कर लूंगी। ये मैंने जस्ट एक बेस मेकअप क्रिएट किया है। मुझे डार्क सर्कल्स का इशू है बट मैंने कुछ कलर करेक्टर या कुछ कंसीलर वगैरह कुछ यूज नहीं किया है क्योंकि मैं एक बेस मेकअप कैसे क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग ऑयल, वो जस्ट मैं आपको एक दिखाना चाहती थी। बट अगर आप प्रॉपर मेकअप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो तो आप पहले कंसीलर या आपका जो भी कलर करेक्टर है, अगर आपको डार्क सर्कल्स का इशू है तो आप कलर करेक्टर वगैरह यूज करके बाद में जो भी ये फाउंडेशन प्लस ऑयल का कॉम्बिनेशन है वो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अभी मेरा फाउंडेशन के हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं कॉम्पैक्ट यूज करूंगी, कलर सिंस का कॉम्पैक्ट। मेरा शेड है CP2 आइवरी बीच।
कॉम्पैक्ट अप्लाई करने के बाद मैं इसी लुक के साथ बाहर गई थी। ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स में बाहर थी, एयर कंडीशनिंग जगह पे मैं गई थी, प्लस काफी लंबे समय तक मेरा वॉकिंग भी हुआ, थोड़ा स्वेटिंग भी हुआ। बट इन बोथ कंडीशंस ये लुक ने काफी अच्छा रिजल्ट दिखाया मुझे, कोई ग्रीसी या कोई स्टिकी फील नहीं हुआ। 4 to 5 आवर्स मेरे स्किन के ऊपर ये फाउंडेशन काफी सेटल था, काफी अच्छे से अच्छा इफेक्ट दिखाया, कोई पैची या कोई इची फीलिंग नहीं हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल मुझे ये फाउंडेशन प्लस ऑयल जो टिप है वो मुझे काफी अच्छी लगी। सबको ये डेफिनेटली एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए, और जिनकी स्किन ड्रायर है उनको तो ये डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी, एंड इफ येस देन आपका इस वीडियो को लाइक करना तो डेफिनेटली बनता है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। टिल देन बाय।